सो गाइज आप लोग को HDR स्मूथ करने नहीं आता, फिर स्मूथ फुल HD HDR कैसे किया जाए। सो गाइज इसके लिए आप लोग सीखने आए मेरे वीडियो पे। सो गाइज अगर आप लोग वीडियो पे आ चुके हैं, थंबनेल पे क्लिक कर दिए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का HDR फेस स्मूथ बनाना सीख जाएंगे मेरे जैसा, वो भी फुल HD हाई क्वालिटी। एंड हाँ, जिस जिस भाई को सीखना होगा ना, सिर्फ वही आप लोग वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को छोड़ करके चले जाइएगा। तो वीडियो को लाइक लाइक कर दीजिएगा, चले जाने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जान हम लोग आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एंड काफ़ी औसम तरीके से एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे आप लोग, कुछ इस तरीके से फेस को कैसे बनाएंगे, वो भी मेरे जैसा HDR स्केप में, ठीक है। तो जैसे कि ये हम लोग का नॉर्मल फोटो है, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, एंड सेम आप लोग का सेम इसी तरीके से होता होगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक फोटो रहता है हर भाई का, ठीक है ना। लेकिन आप लोग गोरा नहीं कर पाते हैं, एंड मेरे जैसा आप लोग स्मूथ करके फुल HD हाई क्वालिटी नहीं कर पाते हैं, तो यही आप लोग को सिखाएंगे। यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं HDR फेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। और जो मैं कलर टोन अप्लाई किया हूँ, कैसे मैं डाला हूँ, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लीजिएगा ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है जान। तो यहाँ पे हम लोग का ऑटोडेस्क ओपन हो चुका है, तो सिंपली इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का फोटो शेयर हो जाएगा। जैसे आप लोग के सामने शेयर करने बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, तो नीचे देखिए नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो फोटो स्मूथ किए होंगे वो फोटो हट जाएगा, एंड आप लोग का ना नॉर्मली फोटो आ जाएगा। तो इस फोटो को बनाने के लिए HDR स्केप में हम लोग कौन कौन सा टूल्स यूज करेंगे, एक एक स्टेप सब तरीका आप लोग को बताएंगे, बस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताएंगे, ठीक है जान। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ऊपर, ठीक है, एक पेंसिल वाला आइकन है, ठीक है, एंड उसके बगल में एक लेयर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना जान। तो सबसे पहले आप लोग को लेयर पर क्लिक करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्लस वाला आइकन है, ठीक है, उस पर क्लिक करके एक लेयर बना लीजिएगा प्यारा सा छोटा सा, ठीक है जान। एंड लेयर बनाने में सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ ऊपर देखिए ब्रश वाला आइकन होगा, ठीक है, यहाँ एरो का निशान जहाँ जा रहा है, सिंपली पेंसिल आइकन पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए मीडियम ब्रश आप लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए मीडियम ब्रश हम लोग का मिल चुका है, ठीक है, हर भाई लोग यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, ना आप लोग भी यूज करते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे यूज किया जाए ना कोई यूट्यूबर नहीं बनाता है, ठीक है, नहीं बताता है, सॉरी, ठीक है ना जान। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कलर ऑप्शन पे आ जाएंगे, एंड आप लोग को कौन सा सेलेक्ट कर लेना है, येलो टोन, ठीक है ना, येलो टोन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने में सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, सिंपली यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, एंड जो आप लोग लेयर बनाए हैं ना प्यारा सा, उस लेयर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, एंड यहाँ पे आप लोग को सॉफ्ट लाइट मिल जाएगा बीच में, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट लाइट है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, मैं अच्छे से आप लोग को समझा रहा हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट लाइट पर कर लीजिएगा, एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कर लेना, ठीक है। फोटो जूम करने में सिंपली आप लोग को सेटिंग को बढ़ा लेना होगा, ठीक है, यानी साइज, सॉरी, तो साइज को बढ़ाने में कुछ इस तरीके से आप लोग को फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। एंड स्मूथ नहीं करेंगे हम लोग अपने फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करेंगे। सो भाई लोग जैसे आप लोग ब्रश को अप्लाई कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस येलो टोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एक एक स्टेप सिखाएंगे, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो HDR स्केप में फेस को कैसे बनाया जाए वो भी मेरे जैसा फुल HD हाई क्वालिटी गोरा एंड फुल HD हाई क्वालिटी स्मूथ नहीं सीख पाएंगे आप लोग, ठीक है ना जान। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग को सिर्फ अपने फेस के ऊपर ही अप्लाई करना है, एंड उसके बाद तो हम आप लोग को बता ही देंगे ना डार्क ब्लैक टोन, एंड आप लोग कैसे फेस को आप लोग येलो टोन डालेंगे, ठीक है ना। सबसे मेन रहता है यार मेरी बात को अच्छे से फोकस कीजिए, सबसे मेन रहता है बात ना ये कि फेस को कैसे हम लोग गोरा करते हैं, स्मूथ करते हैं, ठीक है जान, सबसे मेन पॉइंट एक ही रहता है। तो सिंपली इतना करना, सिंपली अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा, एंड इस वाले ऑप्शन पे जाने में सिंपली यहाँ पे देखिए प्यारा सा जो आप लोग लेयर बनाए होंगे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड यहाँ पे देख लीजिए HSL है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड इसका, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नीचे है जो आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे थर्ड लास्ट में है, ठीक है, तीसरे नंबर पे उसका सेचुरेशन है एंड ह्यू है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लाइटनेस है ना, तो इसको हम लोग को 100+ कर देना है, एंड कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है, एंड डन करो। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सिंपली शेयर पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। शेयर पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेव्ड डिवाइस, इस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो जान हम लोग अपने फोटो को सेव कर चुके हैं गैलरी में। सो गाइस जैसे आप लोग सेव किए होंगे फोटो को, कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस भी होगा, जैसा मेरा है सेम यही आप लोग टूल्स यूज करेंगे। तो सिंपली सेव करने में सिंपली इस फोटो को शेयर कर लेना है आप लोग को स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पे, ठीक है, स्नैपसीड पत्ता वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, नीचे आप लोग को मिल जाएगा पेंसिल आइकन, उस वाले ऑप्शन पे चले जाना है, एंड ऊपर देखिए यहाँ पे ट्यून इमेज होगा, ठीक है, ट्यून इमेज पे क्लिक कर देना होगा, सॉरी क्लिक करना है, ठीक है। एंड एम्बियंस को हल्का से बढ़ा लेंगे तो 17+, एंड हाइलाइट्स को हल्का से कम कर लेंगे, ठीक है जान, तो 39- यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, 39- किए हैं,
एंड सिंपली इसका सेचुरेशन आप लोग को दिखाते हैं। सेचुरेशन को 100 माइनस करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करो सिंपली देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान है, उस पर आ जाइएगा। एक बार फिर से मैं ब्रश से समझाता हूँ, ठीक है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर देखिए व्यू एडिट्स, उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज होगा, ठीक है। उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग को ब्रश आइकन पर चले जाना होगा। ब्रश आइकन पर क्लिक करना होगा, सिंपली आप लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा। सेम जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग को करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फोटो को जूम करके जितना भी आप लोग का ब्लैक होगा बैकग्राउंड उसको ब्लैक ही रखना है जो ग्रीन होगा फोटो में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं कर लेता हूँ अच्छे से, एंड आप लोग को भी करना है, एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। एंड हाँ, इतना हो गया ना, इतना होने सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। डन करना सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे, फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन सेलेक्टिव पे क्लिक करके हल्का सा आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्टिव को अच्छे से अप्लाई करके एंड यहाँ पे हल्का सा सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को भी बढ़ा लेते हैं 100 प्लस करके, यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। एंड डन करना सिंपली इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम मोबाइल अप्लीकेशन के अंदर। ओके, हाँ तो जान हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइट रूम मोबाइल अप्लीकेशन के अंदर ओरिजिनल फोटो को, ठीक है, जो हम लोग बनाए हैं फेस को, ठीक है। शेयर करने का सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चले जाना होगा लाइट वाला ऑप्शन पे एंड इसका प्लस हल्का सा कम कर लीजिएगा 19, ठीक है। एंड वाइट्स को हल्का सा बढ़ा लेना है तो 33 प्लस, शेडो को भी हल्का सा एंड हाईलाइट्स को आप लोग 100 माइनस कर देना है, ठीक है। 100 माइनस करेंगे तो आप लोग का फोटो बेकार लगेगा, ठीक है, यानी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो सिंपली आप लोग हाईलाइट्स को अपने फोटो के हिसाब से रखिएगा, डिमांड अपने फोटो के हिसाब से एंड डिमांड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोग का फोटो एडजस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आप लोग को अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैं कह दिया इसको 100 प्लस तो 100 प्लस ही रखना है, मेरा फेस और आप लोग के फेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके लिए एडिटिंग बहुत ही बारीकी से किया जाता है। उसके बाद आप लोग इस ऑप्शन पर आकर के मिक्स पे क्लिक करके येलो टोन पर क्लिक करके इसका सेचुरेशन 100 माइनस करके आप लोग ग्रीन टोन पर क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन 100 माइनस कर देना होगा। एंड रही बात देखिए फेस को गोरा करने की, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे आकर के इसका लिमनस हल्का से बढ़ा लेंगे एंड सेचुरेशन को हल्का से कम कर देंगे। इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ह्यू को भी हल्का से कम कर देंगे, लिमनस को हल्का से बढ़ा लेंगे। सो भाई लोग इतना करना सिंपली से आप लोग को डन कर लेना है। डन करना सिंपली यहाँ पे देख लीजिए नीचे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका नॉइज रिडक्शन, ठीक है, इसको 100 प्लस, डिटेल को भी 100 प्लस, कंट्रास्ट को भी 100 प्लस ही रखना है एंड कलर वाइजेशन को भी 100 प्लस ही रखना होगा, डिटेल्स को भी 100 प्लस एंड स्मूथनेस को भी 100 प्लस ही हम लोग रखेंगे, ठीक है जान। इतना करना सिंपली इतना आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इतना करना सिंपली अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो गया ना, इतना होने में सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पर आ जाएगा एंड ऊपर देखिए प्लस वाला आइकन होगा, ठीक है, प्लस वाला आइकन पर चले जाएंगे एंड सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, छोटा सा एक बिंदु ओपन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर, उस पर आप लोग क्लिक करके कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा जहाँ जहाँ पे आप लोग को कलर करना है, ठीक है। इतना करना सिंपली आप लोग को अब क्या करना होगा, यहाँ पे कलर ऑप्शन पे आ जाएगा नीचे, ठीक है, कलर ऑप्शन पे आने में सिंपली यहीं से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कलर को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, हल्का सा आप लोग को समझा दिया, आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब समझ जाते हैं, ठीक है जान। तो अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, मेन हम लोग का पॉइंट है ना HDR फेस को हम कैसे स्मूथ करते हैं, ठीक है। तो इस फोटो को यहाँ से हम लोग डन करके आप लोग अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से सेलेक्टिव ऑप्शन पे आ जाएंगे, प्लस पे एंड इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली कुछ इस तरीके से इसको आप लोग ना घुमा दीजिएगा, ठीक है, डबल फिंगर्स प्रेस करके इसको आप लोग रोटेट करेंगे यहाँ से, जैसे कि मैं रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कलर ऑप्शन पर आ जाएंगे एंड यहीं से भी आप लोग कलर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं से भी आप लोग कलर को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा एंड चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ फेस को कैसे HDR स्केप में स्मूथ किया जाए। तो सिंपली इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा ऑटोटेक स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे शेयरिंग फोटो हो रहा है एंड मैं वीडियो को भगाऊंगा ना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आर्टिस्ट भाई समझ में नहीं आए, ना तो मैं वीडियो को काटूंगा, ठीक है जान। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा सा भी भगा करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऑटोटेक यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो इस फोटो को हम लोग शेयर कर देंगे ऑटोटेक स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है जान। इतना बारीकी इस भाई समझ में नहीं आया वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आया होगा, आशा करते हैं, ठीक है मेरे जान। तो सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग बैक आ जाइएगा, ठीक है, एंड आप लोग का फोटो ओरिजिनल शेयर हो जाएगा एंड शेयर हो चुका है, ठीक है जान। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड ऊपर फिर से प्लस वाला आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे एंड एक लेयर बना लीजिएगा। फिर से आप लोग पेंसिल आइकन पर आ जाइएगा एंड मीडियम ब्रश, ठीक है, फिर से कलर ऑप्शन पर एंड हल्का सा हम लोग ना अपने ओट को लाल करेंगे, ठीक है जान, ताकि हम लोग के फोटो में क्वालिटी आए, ठीक है ना दोस्तों। तो सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं, सॉफ्ट लाइट हल्का सा सेटिंग को साइज को कम कर लेंगे, सॉरी सेटिंग पे जा करके
एंड कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके आप लोग अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। हल्का सा आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा जैसे मैं अप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड इतना से बहुत ज़्यादा फोटो में क्वालिटी आ गया है। इतना करना सिंपली फिर से आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाइएगा, प्लस पे क्लिक करके एक फिर से लेयर बना लीजिएगा। फिर से आप लोग उसी वाले फोटो पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे लेयर पे नहीं क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाइएगा, ठीक है। लाइब्रेरी में आप लोग को आ जाना होगा। एंड ये वाला ब्रश, ठीक है, ये वाला ब्रश आप लोग समझिएगा, ठीक है जान। सेटिंग पे आ जाएंगे हम लोग। एंड आप लोग अच्छे से फोकस मारिए। एंड आप लोग को समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। फालो 17 है एंड यहाँ पे स्टैंड 27 है। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा। एंड फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से आप लोग जब भी फेस को स्मूथ करेंगे तो 1% भी ब्लैक नहीं आएगा। एंड हम लोग का फोटो बहुत ही हाई क्वालिटी HDR में स्मूथ होगा। जैसे कि यहाँ पे साइज को कम करके स्मूथ करेंगे हम फेस को, तो उतना ही ज़्यादा फुल HD हाई क्वालिटी हम लोग का फेस स्मूथ एंड फेस बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में कुछ इस तरीके से करते हैं तो भाई जाहिर सी बात है यार मेरी जान, यहाँ पे फेस खराब ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग अच्छे से फेस को बना करके दिखाता हूँ, ठीक है जान। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। कुछ इस तरीके से साइज को कम करके एंड उसके बाद आप लोग को ब्रश को अप्लाई करना है फेस के ऊपर। जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आप लोग का फेस एक लेवल में स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं स्मूथ कर रहा हूँ, जैसे हो रहा है सेम इसी तरीके से आप लोग को स्मूथ करना है, ठीक है। आशा करते हैं मेरे जान बच्चों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। सेम इसी तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ कीजिएगा तभी आप लोग का फेस स्मूथ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। चैनल पर पहली बार आओगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी जान।